हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है अभी लीनियर अलजेब्रा कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है और वो है आइगन वैल्यूज एंड डायगोनलाइजेबिलिटी, ठीक है ना। और बिल्कुल लास्ट है ना जो टॉपिक है उस पर हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं और वो है ब्लॉक मैट्रिक्स, जॉर्डन ब्लॉक, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। और एक चीज़ और, मैंने अभी जस्ट एक नया सीरीज़ और स्टार्ट किया है, नया सेशन जिसे हम बोल सकते हैं, जिसमें कंपटीशन एग्ज़ाम CSIR NET, UGC NET या सेट या और भी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक ये गॉगल की बात है तो एक्चुअल में है ना आई फ्लू हो गया है और इस वजह से है ना मैं गॉगल लगाया हूँ। बाकी ये वीडियो आपके लिए है और इसको अच्छे से इंजॉय कीजिए और कंप्लीट ज़रूर देखिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? ब्लॉक मैट्रिक्स। अ ब्लॉक मैट्रिक्स ऑल्सो नॉन एज अ पार्टीशनड मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अ मैट्रिक्स विद सब मैट्रेसेस, तीन चीज़ें हैं। ब्लॉक मैट्रिक्स को पार्टीशनड मैट्रिक्स भी कहते हैं या तो मैट्रिक्स विद सब मैट्रेसेस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अ ब्लॉक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस और ब्लॉक्स, ठीक है ना, वेयर ईच ब्लॉक इज इटसेल्फ अ मैट्रिक, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो रही है कि एक ब्लॉक मैट्रिक्स जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो एंट्रीज होते हैं वो खुद एक ब्लॉक्स हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और जितने भी ब्लॉक्स होते हैं अपने आप में क्या होते हैं, एक मैट्रिक्स होते हैं। बात क्लियर हो रही है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। ब्लॉक मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो नोन एज पार्टीशनड मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस और ब्लॉक्स, ठीक है ना, वेयर ईच ब्लॉक इज इटसेल्फ मैट्रिक्स। मैं क्लियरली करके लिखा हूँ, इसे पूरा क्लियर होना चाहिए। अ ब्लॉक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर मैट्रिसेस, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू, इस फॉर्मेट में होगा जिसमें पूरे एंट्रीज आप जो देख रहे हैं A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, A1, A2, A1N, ये जितने भी एंट्रीज हैं ये अपने आप में ब्लॉक्स हैं, यानी मैट्रिक्स हैं, है ना। और ओवरऑल ये खुद अपना एक मैट्रिक्स है ना। तो ये जो ब्लॉक्स को कंटेन करने वाला जो मैट्रिक्स बनता है ना उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स, क्लियर है। अब इसकी ऑर्डर की बात आती है ना, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ना। जैसे मैंने ले लिया है ना, ये मैंने ले लिया, सिचुएशन है समझना, A11, A12 है ना, A21, A22, यहाँ से क्लियर करते हैं। अब ये सब ब्लॉक्स हैं जो कि इस मैट्रिक्स की एंट्रीज का काम कर रहा है, लेकिन है तो ये ब्लॉक्स है तो ये मैट्रिक्स ना, मतलब ये इसी फॉर्मेट में होगा, है ना। चलो ये समझ लेते हैं, ये 2x2 मैट्रिक्स है ना, और ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है ना। अब लॉजिक लगाइए, 2x2 मतलब ये हुआ सिचुएशन और ये भी ऐसा सिचुएशन, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल देखें तो ये आपके रोज होंगे, ठीक है ना, और ये आपके कॉलम्स होंगे। आखिर में तो ये मैट्रिक्स ही है ना, मैट्रिक्स ही है ये जो है ना, भले उसको आप ब्लॉक्स के फॉर्म में लिख रहे हो लेकिन है तो ये एक्चुअल में मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स है इसका मतलब ऑर्डर तो हम एंट्रीज के व्यू से ही डिसाइड करेंगे। तो कितने रोज हैं, 4 रोज, कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स, इसका मतलब 4x4 मैट्रिक्स बनाना, क्लियर हुआ। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए ना, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ रोज 4, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स 4, दैट इज 4x4, ठीक है ना, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से हम मिल रहा है। अब इसी में अगर A12 जो है ना 2x1 होता है ना, ये भी 2x1 होता, अब सिचुएशन क्या हो जाती, ठीक है ना, ये तो ठीक है 1, 2, 3, 4 बट ये 1, 2 ओनली 3 होता है ना, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ये ओनली 1, 2, 3 होता ना, ओके, क्योंकि यहाँ पे रोज तो उतने ही हैं लेकिन कॉलम्स 1, 2 और 3, दैट इज़ 4x3। तो इससे हमें क्या मिला, कॉन्सेप्ट क्या मिला कि जो ब्लॉक मैट्रिक्स होता है उसकी जो एंट्रीज होती हैं यानी ब्लॉक्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ये उनके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे जॉर्डन ब्लॉक। डेफिनेशन देखिए जॉर्डन ब्लॉक का, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म A इक्वल्स टू लैम्डा 1, 0 एंड सो ऑन 0, 0 लैम्डा 1 एंड सो ऑन 0, 0, 0 लैम्डा एंड सो ऑन 0, ठीक है ना, 0, 0, 0 एंड सो ऑन लैम्डा, ठीक है ना, इज सेट टू बी जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर n, n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ऑर्डर n का होगा, करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज से ऊपर की ओर एक ट्रायंगल का फॉर्म होता हो, नीचे पूरा क्या हो, एंट्रीज 0 हो,
ठीक है ना, क्लियर। ये सिचुएशन में हम बोलते हैं क्या है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। परफेक्ट। तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होते हैं एग्जैक्टली वही उनके आइगन वैल्यूज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पूरे आइगन वैल्यूज ये है, ठीक है, लैम्डा 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 एंड सो लैम्डा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, रिपीटेटिंग है, है ना। तो एक ही आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स ए का और वो है लैम्डा। परफेक्ट ना, इसीलिए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा वर्ड यूज़ किया है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम, ठीक है, एक ब्लॉक के रूप में यूज़ करने वाले हैं। जब हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो उसमें इसको एक ब्लॉक के रूप में यूज़ करेंगे, इसलिए इसमें ब्लॉक वर्ड जोड़ा गया है, ठीक है। तो है ना, इस मैट्रिक्स को ब्लॉक के रूप में यूज़ करेंगे इसलिए ब्लॉक जोड़ा गया। जॉर्डन ने इस पर काम किया है, ठीक है ना। जॉर्डन एक बहुत बड़े फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं, ठीक है, कैमाइल जॉर्डन करके, है ना, उसने इस पर काम किया है, ठीक है ना। इस वजह से जॉर्डन का नाम दिया गया और उसने स्पेशल फॉर्म दिया गया। उसने दिया कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लो, इनका आइगन वैल्यू लैम्डा होना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है वही लैम्डा लैम्डा यहाँ रिपीटेड हो जाएगा क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है। और जस्ट सुपर डायगोनल में, इसको सुपर डायगोनल बोलते हैं, उसमें पूरा एंट्रीज 1111 होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा ये पूरा आइगन वैल्यू लैम्डा लैम्डा जस्ट ऊपर सुपर डायगोनल पूरा 1111, परफेक्ट ना, और बाकी एंट्रीज एलजेब्रा क्या हो, जीरो। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एन करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। क्लियर है। और इसको हम किस रूप में यूज़ करने वाले हैं, ब्लॉक्स के रूप में, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो क्या होगा, जैसे यहाँ एन क्रॉस एन था, है ना, जैसे हमने मैट्रिक्स ले लिया ए इक्वल्स टू, है ना, जिसमें आइगन वैल्यू लैम्डा लैम्डा, उसकी वैल्यू जैसे -1 -1 है, ठीक है, और ये 1 तो हो गई 0, तो ये हो गया आपका जॉर्डन ब्लॉक, है ना, ऑफ ऑर्डर 2, है ना, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1, है ना। ऐसे 3 क्रॉस 3 आप ले सकते हो, है ना, 2 2 2, ये 1, है ना, परफेक्ट ना, ये 1 है और बाकी सब एंट्रीज क्या होती है, 0। तो ये हो गया आपका जॉर्डन ब्लॉक, है ना, ऑफ ऑर्डर 3 करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2। ऐसे खुद से लीजिए, ये 2 क्रॉस 2 का था, 3 क्रॉस 3, ऐसे खुद से लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है। अब हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। देखिए, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म और जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, शॉर्ट में बोलते हैं जेसी फॉर्म, या फिर शॉर्ट में जॉर्डन फॉर्म करके भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तरीका क्या है, वो फोकस करते हैं। समझ लीजिए, कोई मैट्रिक्स गिवन, हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे और उसी बेसिस पे आप खुद एग्जांपल लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, फोकस कीजिए। कंसीडर अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे 9 क्रॉस 9, वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, है ना। ओके, तो ये 9 क्रॉस 9 मैट्रिक्स मैंने लिया है, ठीक है, और इस ये मैट्रिक्स है तो इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगी। देखिए, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डायरेक्ट जॉर्डन फॉर्म बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम किस में होता है, है ना, 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 4, है ना, 9 क्रॉस 9, इससे हाई लेवल के जितने भी होंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो ये समझ लीजिए, हमारे पास मैट्रिक्स है, समझ लीजिए उनका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल गिवन है और मिनिमल पॉलीनोमियल गिवन है। अब कैसे करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का मतलब यही कि इसमें आइगन वैल्यूज आपको दिखेगा एग्जैक्टली 1 है 3 ऑर्डर का, 2 है 4 ऑर्डर का, 3 है 2 ऑर्डर का, है ना, और ये मिनिमल पॉलीनोमियल आपको गिवन है। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सी ऑफ एक्स और एम ऑफ एक्स गिवन है, इसी के जरिए हम यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक्स बनाएंगे, है ना, इस बात को ध्यान रखना, जॉर्डन ब्लॉक्स के थ्रू जॉर्डन मैट्रिक्स बनेगा और जॉर्डन मैट्रिक्स या जॉर्डन ब्लॉक्स को मिला करके फाइनल में जो बनाएंगे वो होगा जेसी फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इतना क्लियर हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में आप देख सकते हो 3 + 4 + 2 9 हो रहा है ना, तो 9 क्रॉस 9 पूरा क्लियर है ना, लेकिन ये मिनिमल पॉलीनोमियल है, इसमें वो मैच नहीं होगा। बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले कितने आइगन वैल्यूज हो देख लीजिए, डिफरेंट आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज 1 2 3, देयर आर टोटल 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो पहले 1 के करस्पॉन्डिंग, देन 2 के करस्पॉन्डिंग, देन 3 के करस्पॉन्डिंग, 3 अलग अलग, इसको हम बोलेंगे, है ना, ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है ना, जो कि आप इसको जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक्स के थ्रू ये बनेगा, इसी वजह से जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स या फिर जॉर्डन मैट्रिक्स कह सकते हो। इतना क्लियर है। तो यहाँ से डिसाइड होगा कितना ऑर्डर है, है ना, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 क्रॉस 3 का, 4 के करस, है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग 4 क्रॉस 4 का, और 3 के करस्पॉन्डिंग, है ना, 3 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 2 क्रॉस 2 का। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए, है ना, 3 क्रॉस 3 का, है ना, क्या करना है, आइगन वैल्यू 1 है, है ना, और अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में रहता है आपका जॉर्डन ब्लॉक, उसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, मिनिमल पॉलीनोमियल देखिए कितना है, 2, यस, तो 2 क्रॉस 2 का, है ना, तो ये हो जाएगा 1 1, ये 0, और जो जगह बचा है वो 1 क्रॉस 1 के लायक है, ठीक है, तो 1 को तो लेना पड़ेगा, तो 1, और ये हुआ 1 क्रॉस 1। इतना क्लियर हुआ, है ना, 3 क्रॉस 3, और यहाँ से 2 क्रॉस 2, जगह बचा 1 क्रॉस के लिए, इसे 1 ही लिखना पड़ा, 1 क्रॉस 1 करके। अब लैम्डा इक्वल टू करस्पॉन्डिंग देखिए 4 क्रॉस 4 का,
है ना। अब इसमें कितना है, 2×2 है ना, तो ये होगा 2×2, ठीक है ना। 1 और आइगन वैल्यू कितनी है, 2, 2, 2, 1, 0। और यहाँ जो जगह बचा है ना, फोकस करना, ये 2×2 के लायक जगह बचा है। एक को तो हम फिक्स कर लेंगे है ना 2×2 का, लेकिन जो फिर जगह बचेगा उसको देखना है। जैसे 1×1 कराया था तो डायरेक्ट मैं एक बार लिख देता, लेकिन 2×2 का है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है। कैसे, एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है 2×2 का, एक तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। ऊपर तो फिक्स है, इसको ऐसे ही लेना है ना, यहाँ देख करके है ना, 2×2 का है ना, 2, 2, 0 है ना, 1 करके। अब जो जगह बचा है उसमें हम इस तरह से 1×1 का और 1×1 का भी ले सकते हैं। तो दो सिचुएशन पॉसिबल हुआ, पहला तो ये फिक्स है, उसके बाद जो 2×2 जगह बचा था उसमें डायरेक्ट या तो 2×2 का ले सकते हो या तो 1×1 का ले सकते हो। इतना क्लियर हो, बाकी जो एंट्रीज होती है ना वो जीरोज होती है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, लैम्डा इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग 2×2 का होगा, और यहाँ तो 1 फिक्स है, तो पहला तो 1×1 का लेना है 3। अब जो जगह बचा 1 के ही है, इस वजह से ये भी क्या होगा, 1×1 का। तो फाइनली ये कंप्लीट है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं एक बार फाइनल टच में देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग 3×3 का, यहाँ से देखें 2×2 का, वो फिक्स है, जो जगह बचा वो 1×1 के लायक थे, इसलिए ऐसा किए। फिर नेक्स्ट है ना 2 के करस्पॉन्डिंग 4×4 का है ना, यहाँ से देखिए 2×2 का, जो जगह बचा था वो 2×2 के लायक था, तो उसमें एक बार 2×2 को ले सकते हैं, या तो अलग अलग ऐसे भी ले सकते हो। इसी तरीके से 3×2 का, यहाँ तो 1×1 का, जगह एक ही के लिए बचा था इसलिए 1×1। तो यहाँ से फाइनली आपको क्लियर हो गया, ये सब है जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स। अब ये सब देख रहे हो ना, ये जॉर्डन ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ दो सिचुएशन पॉसिबल है, ये है ना, इन तीनों को लेते हुए बनाना है, जॉर्डन का न्यूक्लियर फॉर्म होगा है ना। देख सकते हो ये जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, इनको लेकर के एक ठो बनेगा, और एक ये, इन तीनों को, यानी कि ये और ये और ये, समझ आ रहा है ना। इसका मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यूनिक नहीं होता, यहाँ से समझ आ रहा है इस एग्जांपल से, ठीक है। तो जेसी फॉर्म हम यहाँ से ले लेते हैं, जेसी फॉर्म विल बी है ना, ऑब्वियसली 9×9 मैट्रिक्स गिवन है ना, तो उसी के सिमिलर होता है, ठीक है। लास्ट हम रिजल्ट्स भी लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो 9×9 मैट्रिक्स बनेगा है ना, ओके, क्योंकि गिवन जो मैट्रिक्स था वो 9×9 था, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा 9×9। बस अब फॉर्मेट कैसा होगा, जो जॉर्डन ब्लॉक्स उसको लिखिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट जॉर्डन ब्लॉक, जो आपका जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स है, वहाँ से ये जॉर्डन ब्लॉक्स लिया गया, फिर सेकेंड से, फिर थर्ड से, ठीक है ना। इतना क्लियर है, तो आप देख सकते हो है ना, आप ये जो देख रहे हो ना, ये ओवरऑल जेसी फॉर्म भी अपने आप में क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्स ही तो है ना। और याद रखना, ये जो बाकी जो बचा है वो पूरा एंट्रीज क्या होगा, जीरो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो ये सभी क्या है, जॉर्डन ब्लॉक्स, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म और जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म। परफेक्ट ना, ये फर्स्ट था, और एक और पॉसिबल है ना। याद करो, सेकेंड वाला सिचुएशन में इसको आप इस तरह से भी तो ले सकते हो, 2×2 करके है ना, तो फिर 1×1 करके, तो ये होगा सेकेंड सिचुएशन, ठीक है ना। तो देयर आर टू पॉसिबल जेसी फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एक इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि जो भी जेसी फॉर्म होता है ना, वो गिवन मैट्रिक्स से सिमिलर होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को ना देख कर किसके प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो। क्लियर है, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, तो आप खुद से एग्जांपल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए है ना, ठीक है। आप 9×9 लीजिए, 10×10 मैट्रिक्स लीजिए, 8×8 लीजिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ले लीजिए और मिनिमल पॉलीनोमियल ले लीजिए, ठीक है ना। जो मैंने प्रोसेस बताया एग्जैक्टली उस प्रोसेस करके देखिए है ना, क्या मिलता है उसका, जेसी फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ मैट्रिक्स 2×2 का है, 3×3 का है, या 4×4 का मैट्रिक्स है, और स्पेशली अगर डायगोनलाइजेबल है, तो उस केस में हम कैसे हम बना सकते हैं, उसका जेसी फॉर्म कैसे देखेंगे, देखिए है ना, ठीक है। तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जांपल में ले लिया हूँ, देख सकते हैं। जैसे मैंने लिया ए, ये 3×3 मैट्रिक्स है और डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। अगर इसके जेसी फॉर्म देखना है, तो दो चीज़ें पहले निकाल लो, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है, एक इसका मिनिमल पॉलीनोमियल है, ठीक है ना। ऑब्वियसली x-1, x-2, x-3, क्योंकि 1, 2, 3 के आइगन वैल्यूज़ हैं है ना, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल यही होगा है ना। और अपने को पता है मिनिमल पॉलीनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से बनता है, तो ये तो ऑलरेडी वन ऑर्डर का है, तो ये तो वन ऑर्डर का ही होगा, श्योर है, ठीक है ना। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर डायगोनलाइजेबल है, तो उस सिचुएशन में मिनिमल पॉलीनोमियल निकालना ज़्यादा आसान है। कैसे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल अगर निकाल लिया ना, तो समझ लीजिए फिर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रखता है, कौन, मिनिमल पॉलीनोमियल, ये ध्यान रखना। इफ ए इज डायगोनलाइजेबल देन ए हैज़ है ना, देन है ना, मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ ए हैज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर करके, ठीक है। अब यहाँ से देखते जाइए है ना, जे लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से 1×1 का, और यहाँ से भी 1×1 का, ठीक है ना। तो यहाँ से 1×1 का, यहाँ से भी 1×1 का, ठीक है। और 3 के करस्पॉन्डिंग में यहाँ से 1×1 का, और यहाँ से भी 1×1 का, तो एज इट इज़ जो गिवन मैट्रिक्स है ना, वही हो जाएगा इनका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म,
ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ से अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो ये होगा x माइनस टू स्क्वायर, ठीक है। और मिनिमल पॉलिनोमियल चूँकि ये डायगोनलाइजेबल है, इसी वजह से इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x माइनस टू करके, क्योंकि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। अब यहाँ से लैम्डा इक्वल टू, है ना, टू के करस्पॉन्डिंग, है ना, देखते हैं जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, टू क्रॉस टू, यहाँ से टू क्रॉस टू, और यहाँ से पावर वन है, तो वन क्रॉस वन का फिक्स होगा। अब जो जगह बचा वो वन क्रॉस वन के लायक ही है, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से तो होगा, है ना, तो एक ही जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन दो अलग अलग जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। टू क्रॉस टू का बना, है ना, यहाँ से वन क्रॉस वन, एक ही जगह बचे इसलिए वन क्रॉस वन ही होगा। तो फाइनली मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा इन ब्लॉक्स को लेते हुए जो बनेगा, है ना, टू वन क्रॉस वन, टू वन क्रॉस वन, और बाकी क्या होगा, जीरो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है अगर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है ना, तो वो, है ना, जो उसके करस्पॉन्डिंग जो जैसी फॉर्म मिलता है एग्जैक्टली वो डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाता है। इतना क्लियर है, तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन मिलते जाएंगे और आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। लास्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस देंगे उसमें भी मैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का क्वेश्चन जरूर दूंगा, ठीक है ना। फिर भी किसी तरह से डाउट निकल के सामने आती है, बेहिचक बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक बात आती है नॉर्मली जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को निकालने की बात, तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। जो जो मैंने टेक्निक बताया, तरीका बताया, उससे निकालिए, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में, है ना, कहीं ना कहीं उसको हिंट दिया रहेगा, है ना, हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर करेंगे। अब हम देखेंगे रिजल्ट्स बेस्ड ऑन जेसी फॉर्म। रिजल्ट्स देखिए, फर्स्ट पॉइंट, जेसी फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी यूनिक, ठीक है ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो जेसी फॉर्म होती है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती है या जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म होती है, वो यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, है ना। हो सकता है बिल्कुल सिंगल बने, जब आप डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स लेंगे तो बिल्कुल उसका एक ही आपको मिलेगा, है ना, ठीक है, जेसी फॉर्म। लेकिन आप नॉन डायगोनलाइजेबल का सिचुएशन ले रहे हैं तो देखना आप एक से ज़्यादा पॉसिबल होगा, ठीक है ना, देखिएगा सिचुएशन, है ना, ठीक है, क्लियर। तो मे और मे नॉट बी यूनिक, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इट्स जेसी फॉर्म, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं अपने जेसी फॉर्म के क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। और जेसी फॉर्म के सिमिलर होने का मतलब यही है कि आप किसी मैट्रिक्स को अगर जेसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो कीजिए, है ना। जेसी फॉर्म बेसिकली एक डायगोनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा एग्जैक्टली उस मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से मैच करेगा क्योंकि सिमिलर है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इट्स जेसी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, टू स्क्वायर मैट्राइसेस ए एंड बी आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम जेसी फॉर्म अप टू ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स करके, ठीक है ना। दो मैट्राइसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों सेम जेसी फॉर्म रखते हैं, और अगर सेम जेसी फॉर्म रखते हैं तो समझ लीजिए कि दोनों जो हैं सिमिलर होंगे, इफ एंड ओनली चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, लाइक एक्स माइनस लैम्डा आई लैम्डा वन पावर एन वन, एक्स माइनस लैम्डा टू पावर एन टू, एंड एक्स माइनस लैम्डा के पावर एन के, है ना। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और ये जस्ट इसका मिनिमल पॉलिनोमियल। ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑर्डर होगी इसे छोटी या बराबर होगी एम आई लेस देन आर इक्वल टू एन आई, सम कर लीजिए तो एम लेस देन आर इक्वल टू एन होगा, ठीक है। अब देखिए इसके रिजल्ट्स क्या क्या है। फर्स्ट, इन जेसी फॉर्म एटलीस्ट वन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई, आप एग्जाम मेरे जो कंस्ट्रक्ट करके बताया था वहाँ से आप मैच कर लीजिए। जो जेसी फॉर्म बताया था उसमें जो जॉर्डन ब्लॉक्स थे, उन जॉर्डन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, उनके कम से कम ऑर्डर जो है एम वन एम टू एम के बराबर था ना। जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है उनके, है ना, जो फैक्टर्स होते हैं उसके जितनी पावर होती है एग्जैक्टली उस ऑर्डर का तो होगा ही होगा, एटलीस्ट वन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई। द नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू, और लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर भी वही होगा, है ना। लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर भी क्या होगा, एम वन एम टू एंड सो ऑन एम के, है ना, याद रखना इसी ऑर्डर। आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, मैं जो एग्जांपल नाइन क्रॉस नाइन का बताया था, जितने भी जॉर्डन ब्लॉक्स थे उसकी मैक्सिमम पॉसिबल जो ऑर्डर थी, है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल में जो फैक्टर्स की जो पावर थी एग्जैक्टली उसके इक्वल था मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल सेम बात बता रही है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू जी एम करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक होती है कुल कितने होंगे एग्जैक्टली उस लैम्डा आई करस्पॉन्डिंग जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी नलिटी ऑफ लैम्डा आई, है ना, के इक्वल होगा। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू एम आई, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो जितने भी जॉर्डन ब्लॉक्स हैं उनका ऑर्डर का जो सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इनका जो टोटल सम है वो किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल होगा, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया अब क्लियर होगा आपको। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना।
जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो बिल्कुल लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम ट्रायंगुलराइजेबल का कॉन्सेप्ट देखेंगे और भी बहुत सारे रिजल्ट्स उस पर बात करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।